प्रिंसिपल आपका नाम जाना? आशीष जमालटा है, जमालटा है मेरा नाम। आशीष जी, जाना चाहेंगे जो गुड़िया रेप एंड मर्डर केस जी है, विच वॉज क्लोज बाय सीबीआई, एग्जैक्टली क्या स्टेटस है? कि आपने कोई पिटीशन फाइल किया था? आज कोर्ट में क्या हुआ है और फर्दर क्या डायरेक्शन हुई? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट करना चाहूँगा, सीबीआई ने कोई क्लोज नहीं करा है मैटर। ये सीबीआई ने जो है, जो एक आरोपी है सिर्फ उसी को रोक के उसी के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की है। जो बाकी आरोपी थे, जो अलेज्ड थे, मैं ये नहीं कह रहा वो थे, जो अलेज्ड थे उनको अरे नहीं किया, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। ठीक है, जो हमने आज जो पिटीशन फाइल जो हमने पिटीशन जो आज लगी है, उससे हम माननीय उच्च न्यायालय से ये मांग कर रहे हैं कि इस मैटर को दोबारा री इन्वेस्टिगेट किया जाए इन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द प्रेजेंट केस। देखिए, आज जो कोर्ट ने कहा है, देखिए हमारा जवाब जो था वो आ चुका है रिकॉर्ड पे। कोर्ट ने कुछ प्रोविजन सीआरपीसी के जो हैं वो हमसे कहे हैं कि इनको आप देखें, इनके थ्रू मतलब पॉसिबिलिटीज हमको बताइए कि इसमें क्या क्या हो सकता है उस। और जो जवाब है, प्लीडिंग्स कंप्लीट है, अब जो है हियरिंग के लिए 3 मई को ये मैटर रखा गया है। आपके पटिशन कब फाइल हुई थी? एंड डू यू एज वी स्पोक टू गुड़िया'स फादर, ही डिड नॉट गेट जस्टिस, और उनको अभी भी उम्मीद है राइट? अब समहाउ ही इज राइट इन सेइंग दैट ही हैज नॉट गॉट द जस्टिस। व्हाई सेइंग सो? बिकॉज वंस ही हैड सीन द सीन ऑफ क्राइम हिमसेल्फ, देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स विच आई डोंट वॉन्ट टू यू नो डिस्क्लोज बिफोर द प्रेस। देर आर द मैटर बिटवीन द कोर्ट एंड द पिटिशनर। सो फार एज द कंसर्न ऑफ फादर ऑफ द पिटिशनर इज कंसर्न, ही इज राइट इन सेइंग दैट द इन्वेस्टिगेशन हैज़ नॉट बीन डन प्रॉपर एंड ओनली वन केस हैज़ बीन रोक्ड। What is your plea and what do you demand? क्या इसको CBI ही reinvestigate करे या किसी दूसरी एजेंसी के लिए भी? और देखिए, देश में CBI से ऊपर तो कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी नहीं है। हम ये कह रहे हैं जो कोर्ट को ठीक लगेगा, या CBI या स्टेट पुलिस या SIT, जिसको भी मैटर देना चाहें वो दें, मगर हम जो सुपरविजन है वो सिटिंग जज जो है हमारे हाई कोर्ट के, वो उसको मॉनिटर करें। ये हमारी सबमिशंस है और ये ही हमारी प्रेयर है। आर यू होपफुल ऑन मे 3rd जस्टिस? यू नो आई एम, यस डेफिनेटली आई एम होपफुल दैट इट विल बी इन आर फेवर, द आउटकम ऑफ द पिटिशन विल बी इन आर फेवर। आई एम होपफुल। थैंक यू।